हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला। इससे पहले भी हमने कंप्यूटर पेपर की ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी क्लास फर्स्ट के लिए कैसे की जाए इसके बारे में आपको बताया है, साथ ही कंप्यूटर सिलेबस भी आपको बता चुकी हूँ। इसका पहला क्लास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पार्ट वन हम पीछे भी बना चुके हैं, जिसका आप लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिए हैं। हमारे पास दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लीज़ मैम, आप क्वेश्चंस को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए। तो हमारा ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट टू है, जिसमें हम क्वेश्चन को हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following statement is correct about the given device? Number A, it is a type of computer. Yes. Question. Option B, it can be carried from one place to another. Yes, it can be carried from one place to another. Option C, it is called laptop. Yes, it is called laptop. And option D, all of these. अर्थात ये एक statement दिया गया है, एक चित्र है जिसको देखकर इसके बारे में स्टेटमेंट है। इसको समझकर हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। यस, यह कंप्यूटर का एक प्रकार है। इट कैन बी कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड लैपटॉप। यस, इसे लैपटॉप कहते हैं। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। यस, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स मार्क एज 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये दो पिक्चर्स दिए गए हैं, 1 and 2 मार्क किया गया है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में दोनों के स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए, इट इज़ ए मैन मेड मशीन एंड इट्स रन्स ऑन फ्यूल। यस, यह एक मैन मेड मशीन है और यह फ्यूल से रन करता है। टू, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यस, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यह कंप्यूटर है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन बी, 1, इट इज़ मेड बाई नेचर। यह नेचर के द्वारा बनाया गया है। रॉन्ग, यह नेचर के द्वारा नहीं बनाया गया है। और बी का ऑप्शन 2, इट इज़ नॉट ए मैन मेड मशीन। रॉन्ग, इट इज़ ए मैन मेड मशीन। ऑप्शन सी, 1, इट इज़ नॉट अ मैन मेड मशीन। रॉन्ग, इट इज़ ए मैन मेड मशीन। कार को जो है मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन 2, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऑप्शन डी, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नो, कार इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और ऑप्शन 2, इट इज़ मेड बाय नेचर। नो, कंप्यूटर नॉट मेड बाय नेचर। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए में 1 and 2 दोनों सही है। इट इज़ मैन मेड मशीन एंड इट रन्स ऑन फ्यूल। कार जो है मैन मेड मशीन है और यह फ्यूल के द्वारा रन किया जाता है। एंड ऑप्शन 2, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। अनु वांट्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। अनु को कुछ टास्क दिए गए हैं, वॉच मूवी, प्ले सॉन्ग, प्ले गेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस सी कैन यूज। इन तीनों टास्क के लिए इनमें से वे कौन सा डिवाइस यूज कर सकती है। ऑप्शन ए में डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ऑप्शन बी लैपटॉप एंड ऑप्शन सी टैबलेट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अनु को जो टास्क दिए गए हैं, वॉच मूवी, प्ले सॉन्ग एंड प्ले गेम, ये तीनों चीज़ें जो है वह लैपटॉप पर भी कर सकती है, कंप्यूटर पर भी कर सकती है और टैबलेट पर भी कर सकती है। तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 and 2। कॉलम 1 में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं एंड कॉलम 2 में स्टेटमेंट है। इन दोनों को हमें मैच करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर ए में हमारा लैपटॉप है,
इसको हम इन तीनों स्टेटमेंट से मैच करते हैं. नंबर वन है इट कैन बी कैरीड इन ए पॉकेट, इसलिए नो, इसे पॉकेट में हम कैरी नहीं कर सकते हैं. इट कैन ईजली फिट इन योर लैप, यस इट कैन ईजली फिट इन योर लैप. लैपटॉप को हम आराम से लैप में फिट कर सकते हैं. ऑप्शन बी हम देखेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर है. इसके लिए ऑप्शन वन, इट कैन बी कैरीड इन ए पॉकेट ईजली, नो इसे पॉकेट में ईजली नहीं रख सकते हैं. एंड ऑप्शन थ्री, इट नीड्स ए टेबल वेयर यू कैन प्लेस दिस मशीन, यस इट नीड्स ए टेबल, इसके लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत होगी जहाँ पर हम इस मशीन को रख सकते हैं. तो बी के लिए ऑप्शन थ्री हो जाएगा और ए के लिए ऑप्शन टू हो जाएगा. तो सी के लिए ऑप्शन वन, दिस इज अ मोबाइल या टैबलेट, इट कैन बी कैरीड ए पॉकेट ईजली, यस इसको हम पॉकेट में आसानी से कैरी कर सकते हैं. तो इस आधार पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का, आपका ऑप्शन है बी, ए का ऑप्शन टू, ए का ऑप्शन टू ऑप्शन ए में आ रहा है, और बी का ऑप्शन थ्री एंड सी का ऑप्शन ए. इस आधार पर इसका आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर इज नोन एज ए स्मार्ट मशीन बिकॉज, कंप्यूटर को एक स्मार्ट मशीन माना जाता है क्योंकि, ऑप्शन ए, इट डज नॉट मेक मिस्टेक ऑन इट्स ओन, वह कभी भी अपने से कोई गलती नहीं करता है. इट नेवर गेट्स टायर्ड, वह कभी भी नहीं थकता है. ऑप्शन सी, इट्स वर्क वेरी फास्ट, वह बहुत जल्दी कार्य करता है. और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कभी गलती नहीं करता है, वह कभी थकता नहीं है और बहुत फास्ट वर्क करता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. इसके साथ ही हम कंप्यूटर्स ओलंपियाड क्लास फर्स्ट के और टॉपिक पर लेकर क्वेश्चन आते रहेंगे. थैंक यू.